नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। रामायण काल के संदर्भ में बाराबंकी जनपद का अयोध्या धाम के नजदीक होने के चलते बेहद ही खास महत्व है। अयोध्या राज्य का अंश रहे बाराबंकी जिले का सतरिख इलाका कभी सप्तऋषि धाम और आश्रम के रूप में जाना जाता था। कहा जाता है कि ये महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। सप्तऋषियों ने भी यहीं पर तपस्या की थी। साथ ही भगवान राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ यही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। बाद में विदेशी आक्रमणकारियों ने इस आश्रम का विध्वंस किया था, लेकिन अब अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सतरिख को भी एक बार फिर से सप्तऋषि धाम के रूप में विकसित करके इसका पुनरुद्धार किया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है। तो चलिए आपको इस वीडियो में इसी आश्रम से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में बताते हैं। बाराबंकी के सतरिख चिन्हट मार्ग पर सप्तऋषि आश्रम है। सप्तऋषियों के आश्रम में राम, लक्ष्मण और माता सीता की प्राचीन मूर्तियां स्थापित है। कहा जाता है कि यहां पर भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ सप्तऋषियों से शिक्षा दीक्षा ली थी। सप्तऋषि आश्रम पर मौजूद राम, लक्ष्मण और माता सीता की प्राचीन मूर्तियों का रोजाना तिलोत्सव और पूजा अर्चना की जाती है। सतरिख को प्राचीन धरोहर के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहां से भगवान श्री राम का पुराना और काफी खास नाता है। यहां के लोगों ने बताया कि भगवान राम के जन्म से पहले यह सप्तऋषि आश्रम एक गुरुकुल था। ऋषि मुनि यहां निवास करते थे और यहां कई ऐसे राक्षस भी हुआ करते थे जो ऋषि मुनियों को यज्ञ अनुष्ठान नहीं करने देते थे, जिनसे ऋषि मुनि बेहद ही परेशान रहा करते थे। ऐसे में राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए गुरु विश्वामित्र खुद अयोध्या आए थे। उन्होंने वहां देखा कि भगवान राम 13 वर्ष की आयु के हो गए हैं, जिसके बाद गुरु विश्वामित्र ने राजा दशरथ से चारों भाइयों को मांगा और सप्तऋषि आश्रम लेकर आए, जहां उन्होंने चारों भाइयों को धनुष विद्या सिखाई थी। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। ये सप्तऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता है। बगल में माता देवहरा का मंदिर है। ये बहुत प्राचीन है। अब अगर तारीख पूछी जाए तो शायद हमें क्या, हमारे पूर्वजों को भी ना पता होगा, इतना पुराना मंदिर है। ये बहुत विशाल मंदिर है। यहाँ पे आज भी शुक्रवार और सोमवार को अच्छे भले लोग दर्शन के लिए आते हैं। दूर दूर से लोग अपनी मान्यताएं लेकर आते हैं और लगभग सभी लोगों की मान्यताएं यहाँ से पूरी होती हैं। जी, ऐसा मानना है कि रामायण में भी इस बात का जिक्र है कि अयोध्या से 100 योजन की दूरी अर्थात 100 किलोमीटर की दूरी पे भगवान राम पढ़ने के लिए आए थे, और वही ये सप्तऋषि आश्रम है। इन्हीं गुरुओं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की भगवान राम ने, इसलिए इसे सप्तऋषि आश्रम कहा जाता है, जो अभ्रंश होते होते अब सतरिख हो गया है। वहीं यहाँ के महंत नानक शरण दास उदासीन ने बताया कि धनुष विद्या सीखने के बाद प्रभु राम ने सभी राक्षसों का संहार किया था, और आज भी इस आश्रम में ऐसी कई चीजें हैं जो इन सभी बातों का प्रमाण देती है। भगवान राम जब धनुष विद्या सीख रहे थे, तब एक तीर जाकर करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर गिर गया था, जो आज भी मौजूद है। वह तीर अब पत्थर का हो गया है, जिसकी लोग आज भी पूजा अर्चना करते हैं, और पास में एक कुआं और नदी बहती है। महंत नानक शरण दास के मुताबिक भगवान राम वहीं स्नान किया करते थे। इसी कुएं से आश्रम के सभी विद्यार्थी पानी पीते थे और खाना बनाते थे। उन्होंने बताया कि यह भूमि ऋषि मुनियों की परंपरा से भरी हुई है। इस ऐतिहासिक और अद्भुत स्थान के बारे में और जानकारी देते हुए साहित्यकार अजय गुरुजी ने बताया कि रामायण काल खंड के 3 बड़े ऋषि हुए हैं, जिनमें उत्तर भारत के महर्षि वशिष्ठ, दक्षिण भारत में महर्षि अगस्त्य और मध्य भारत में महर्षि विश्वामित्र शामिल है। दुनिया में कहीं भी राम है, वहां इन तीनों ऋषियों की चर्चा जरूर होती है। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम और उनके भाइयों को शास्त्र ज्ञान दिया था। वहीं महर्षि अगस्त ने शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या सिखाई थी, जबकि महर्षि विश्वामित्र के निर्देशन में भगवान राम ने अपने जीवन का बहुत बड़ा कालखंड जिया, जिसमें उन्होंने कई राक्षसों का संहार भी किया था। उन्होंने आगे विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। समय के प्रभाव से विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन पर 1028 ईस्वी के आसपास
जब महमूद गजनवी के बहनोई सैयद साहू और उनका लड़का सालार मसूद ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया तो कहा जाता है, जनश्रुति है, कि उसी ने महर्षि वशिष्ठ का आश्रम और उसमें बना हुआ मंदिर विध्वंस किया था। तो ये है वो ऐतिहासिक स्थान जहां भगवान राम ने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।